ज्योतिरादित्य सिंधिया अपने समर्थकों के साथ कांग्रेस छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में शामिल तो हो गए, लेकिन बीजेपी में शामिल होने के बाद भी पार्टी के अंदर उन्होंने अपना एक अलग गुट बना लिया है। मध्य प्रदेश विधानसभा उपचुनाव के बाद आने वाले नगर पालिका नगर निगम चुनाव में ज्योतिरादित्य सिंधिया और उनके समर्थक चाहते हैं कि उनके प्रभावी क्षेत्रों में टिकट का वितरण उनकी मर्जी के मुताबिक किया जाए, जैसे कि कांग्रेस पार्टी में होता रहा है। कुल मिलाकर महाराज अपनी रियासत का राज छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। बीजेपी सूत्रों का कहना है कि इस बार सीएम शिवराज सिंह चौहान पर सत्ता में शामिल साथियों की तरफ से एक नया दबाव बनाया जा रहा है। सभी जानते हैं कि 2023 के विधानसभा चुनाव में एक दर्जन से ज्यादा नेता पुत्रों को टिकट दिए जाएंगे। वहीं दूसरी पंक्ति के नेता जिनके पुत्रों को विधानसभा का टिकट मिलने की उम्मीद नहीं है, नगर निगम और नगर पालिका चुनाव में अध्यक्ष पद का टिकट चाहते हैं। इसके लिए लॉबिंग शुरू हो चुकी है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से भारतीय जनता पार्टी में आए विष्णुदत्त शर्मा पहले सांसद और अब बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष जरूर बन गए हैं, लेकिन अब तक उनके व्यक्तिगत खाते में कुछ भी जमा नहीं हुआ है। विष्णुदत्त शर्मा की मध्य प्रदेश में अपनी एक टीम है। इस टीम में 100% युवा कार्यकर्ता शामिल हैं। इनमें से ज्यादातर युवा मोर्चा में सक्रिय हैं भी हैं। शर्मा जी की टीम चाहती है कि नगर पालिका नगर निगम के चुनाव में उन्हें प्राथमिकता दी जाए। इधर विष्णुदत्त शर्मा भी पूरे प्रदेश में अपने नेटवर्क को मजबूत करना चाहते हैं। ऐसे में अब ये देखना दिलचस्प होगा कि महाराज के इस विचार पर बीजेपी और सीएम शिवराज सिंह चौहान की क्या प्रतिक्रिया सामने आती है। ब्यूरो रिपोर्ट SPN9 न्यूज़।